सब्सक्राइब कीजिए पोद्दार यूट्यूबर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्त मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं पोद्दार यूट्यूबर चैनल। तो आज हम बात करेंगे फ्लेक्सन सिरप के बारे में और हम बताएंगे फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और इसके क्या यूजेज और क्या साइड इफेक्ट है, कम्प्लीट रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्लेक्सन सिरप है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर इसका रिव्यू करें तो इसके जो बॉटल है वो प्लास्टिक के है और इसके अंदर जो लिक्विड है वो बिल्कुल व्हाइट मिल्क के तरह दिख रहा है, बट आपको दूध मिल्क नहीं समझना है। तो आप जब कभी भी फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे किस परिस्थिति में आप फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के सर में पेन हो या आपके हाथ में पेन हो, आपके दांत में पेन हो या आपके कान में पेन हो, आपके टांग के ज्वाइंट पेन में दर्द हो या आपके कमर के ज्वाइंट पेन में दर्द हो, बच्चे को कट गया हो उसमें दर्द हो रहा हो या जल गया हो उसमें दर्द हो रहा हो, उस परिस्थिति में आप फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे किस उम्र से लेके किस उम्र तक आप फ्लेक्सन सिरप का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका उम्र 1 वर्ष से लेके और 5 वर्ष के बीच में हो तो उस परिस्थिति में आप फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल 3 टाइम कर सकते हैं। कम दर्द हो तो 2 टाइम यूज कर सकते हैं सुबह शाम, और अगर ज्यादा दर्द हो उस परिस्थिति में आप 3 टाइम यूज कर सकते हैं 1 चम्मच। हाँ, और एक बात और, अगर आपको फीवर भी हो उस परिस्थिति में भी आप फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो पैरासीटामोल और आइब्रूफेन है जो एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल बुखार में भी काम आता है, इसलिए अगर आपको फीवर जैसा भी टेंडेंसी हो उस परिस्थिति में भी आप फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे फ्लेक्सन सिरप के साइड इफेक्ट में। अगर फ्लेक्सन सिरप यूज करने के 5 या 10 मिनट के बाद आपके बॉडी पे रेडनेस आ जाए या आपके फेस पे रेडनेस आ जाए, आपके बॉडी पे फोड़े फुंसी निकल जाए या आपको वोमिटिंग टेंडेंसी हो या आपको दस्त की समस्या हो, तो ये इसके साइड इफेक्ट हुए। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, और आप जब कभी भी फ्लेक्सन सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।